दोस्तों हाल ही में सरकार ने मोबाइल की सिम कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। फिर चाहे किसी भी कंपनी का सिम कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हो, ये नियम सारी टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल सिम कार्ड के लिए लागू होंगे। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जो कि VI हो चुकी है, ऐसे में आप किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम कार्ड यूज करते हो तो ये 3-4 नए नियम यहाँ पर निकल कर आने जो आपको जरूर जान लेना चाहिए। देख सकते हैं अपडेट की सरकार ने बदल दिया आपके मोबाइल सिम कार्ड से जुड़े कुछ नियम। इससे जुड़े सभी काम की बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा। वहीं एक और बड़ा फैसला देखिए कि सिम कार्ड लेने की उम्र में भी बदलाव हुआ। अब इस उम्र के लोगों को सिम नहीं मिलेगा। वहीं पोस्ट पेड टू प्रीपेड और प्रीपेड टू पोस्ट पेड कराने के रूल्स में भी बदलाव हुआ है। जो हाल ही में सरकार ने KYC वगैरह का नियम बदला था, इसके अलावा इस पर लगने वाले सिम कार्ड पर लगने वाले चार्जेज को भी मात्र 1 रुपया कर दिया। तो आइए एक एक करके मैं आपको 5 ही बड़े नए नियम बता देता हूँ फटाफट से। अच्छा, जैसे कि पहला नया नियम देखिए कि नया सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को एक कस्टमर एग्जीबिशन फॉर्म यानी कि CEF भरना होता है। यह आमतौर पर उस टेलीकॉम कंपनी और ग्राहक के बीच एक समझौता होता है। अब इस फॉर्म के नियमों में संशोधन किया गया और वो संशोधन ये कि डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है ना DOT दूरसंचार विभाग, उसका ये कहना कि दोस्तों भारत में अब नाबालिग लड़के लड़कियों को सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। इसमें संशोधन कर दिया, नियम में बदलाव कर दिया और इसका सीधा मतलब ये है कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति अब देश के किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर से सिम कार्ड नहीं खरीद सकता है ना। जैसे वोट डालने की कम से कम उम्र 18 साल है, ठीक वैसे अब सिम कार्ड खरीदने की भी मिनिमम उम्र 18 साल होगी। इससे कम का कोई भी व्यक्ति सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा, है ना। तो एक तो नियम में ये बदलाव हुआ, इसके अलावा कुछ रूल्स जैसा कि मैंने आपको बताया सिम कार्ड को लेकर देख सकते हैं आप। अब नए कनेक्शन लेने या प्रीपेड नंबर को पोस्टपेड या पोस्टपेड को प्रीपेड में बदलने के लिए आपको फिजिकल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। टेलीकॉम कंपनियां ये फॉर्म भरने का काम डिजिटल माध्यम से कर सकेंगी। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस फैसले को भी मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि अब से अगर कोई नया मोबाइल नंबर या टेलीफोन कनेक्शन लेता है तो आपका KYC कम्प्लीटली डिजिटल होगा। यानी KYC के लिए आपको किसी भी तरह का कोई कागज जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, कम्प्लीट डिजिटल KYC होगा, समझ रहे हो ना। वहीं पोस्टपेड सिम को प्रीपेड कराने जैसे सभी कामों के लिए भी आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। इनके लिए भी डिजिटल KYC मान्य होगी। और यहाँ तक कि नए नियमों के मुताबिक आप सिम देने वाली कंपनी के ऐप के जरिए सेल्फ KYC कर सकेंगे और इसके लिए मात्र आपको 1 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप सेल्फ KYC करते हैं तो इसके लिए आपको चार्ज भी केवल 1 रुपए का ही देना होगा। अभी के नियमों के मुताबिक अगर कोई ग्राहक अपने प्रीपेड नंबर को पोस्टपेड में या पोस्टपेड नंबर को प्रीपेड में चेंज करता है तो उसे हर बार KYC की प्रोसेस से गुजरना होता है, राइट। लेकिन अब सिर्फ एक ही बार KYC होगी। फिर चाहे आप अपने नंबरों को पोर्ट करवा रहे हो, एक्सचेंज करवा रहे हो, तब आपको वापस KYC करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये भी नियम बदल दिया है केंद्र सरकार ने और वो भी वन टाइम KYC भी कंप्लीटली डिजिटली हो जाएगी आपकी, ऑनलाइन ही, ठीक है ना। अच्छा, तो सरकार ने जो टेलीकॉम सेक्टर में सिम को लेकर कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अब KYC के लिए मात्र 1 रुपए का खर्च आएगा। हालांकि फर्स्ट टाइम अगर आप नई सिम कार्ड लोगे तब जो टेलीकॉम कंपनी का चार्जेस वगैरह होगा वो आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 रुपए में केवल 1 रुपीज में सिम कार्ड मिल जाएगी, है ना। लेकिन री KYC करवाते हो, अगर आप पोस्टपेड टू प्रीपेड, प्रीपेड टू पोस्टपेड जाते हो ना, तब आपको 1 रुपए में ही आपका काम हो जाएगा। ई KYC के लिए मात्र केवल 1 रुपए का ही चार्ज अप्लाई करना पड़ेगा। वापस बार बार KYC करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये कुछ रूल्स टेलीकॉम कंपनियों को लेकर सरकार ने बदल दिया। उम्मीद आपको जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी सर्विस कौन सी टेलीकॉम कंपनी की लगती है, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सबसे अच्छी इंटरनेट स्पीड कॉलिंग सर्विस कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर की है कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।